की क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ये सारे डेफिनेशन हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझा था। आज के लेक्चर की शुरुआत होगी पॉलीगन से। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है इसके बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, और उसके बाद हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, किसी को पता है पूरी क्लास में कोई बता सकता है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? कोई बताएगा? अ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन तब कहेंगे जब उसके सभी साइड्स इक्वल हो और उसके सभी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल, तब उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। जनरली पॉलीगन वर्ड कहाँ यूज करते हैं? जब क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा साइड वाले कोई मिलते हैं आपको फिगर, तो उसको पॉलीगन कहा जाता है। पॉली वर्ड यूज किया जाता है बहुत के लिए, बहुत संख्या में जब कहीं आ रहे हो, तो थ्री साइड वाले को हम लोग ट्रायंगल नाम दे दिए, फोर साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल नाम दे दिया, फाइव साइड वाले का भी नाम है, लेकिन उसके बाद वाले जितने हैं सबको एक साथ हम लोग पॉलीगन भी कह सकते हैं। ट्रायंगल को भी पॉलीगन कहा जा सकता है। सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है उसमें कितने साइड होते हैं? थ्री। एक क्लोज्ड फिगर होता है ये। तो रेगुलर पॉलीगन, देखो फिगर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर। रेगुलर जो होते हैं उसके बारे में उसका जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, और जो इरेगुलर फिगर होते हैं उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है। जब हायर क्लास में हम लोग जाएंगे तो उसके एरिया, लेंथ, ब्रेथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये एक स्क्वायर है और इसकी एरिया आपको निकालनी है तो इजीली निकाल लोगे, लेकिन अगर कहें कि ये क्वाड्रिलेटरल है इसकी एरिया निकालिए, तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी। कोई रेगुलर शेप नहीं है इसका, ना तो ट्रेपेज़ियम जैसा दिख रहा है, ट्रेपेज़ियम जैसा थोड़ा सा हो, और थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं। अब ये ना तो रेक्टेंगल लग रहा है, पैरेललोग्राम, ना ट्रेपेज़ियम, कल जितने टाइप हमने पढ़ाए उसमें से किसी के जैसा नहीं दिख रहा, तो ये रेगुलर फिगर नहीं है। तो ऐसे ही पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो और सभी साइड्स भी आपस में इक्वल हो, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेंटागन है जिसमें फाइव साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। जिसमें सिक्स साइड्स होती है उसको हेक्सागन। जिसमें सेवन साइड्स हो हेप्टागन। जिसमें एट साइड्स हो ऑक्टागन। और जिसमें नाइन साइड्स हो नानागन। और जिसमें टेन साइड्स हो डेकागन। ठीक है, तो जैसे एक रेगुलर हेक्सागन इसका एग्जांपल हो सकता है। ये हेक्सागन है, इसमें सिक्स साइड्स हैं और सिक्स साइड्स की इक्वल लेंथ है, तो इसको क्या कहेंगे? हेक्सागन। अगर सभी एंगल्स सभी साइड्स इक्वल हो तो रेगुलर हेक्सागन कहेंगे इसको। तो रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया, कोई भी पॉलीगन जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या है? किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम का एक फार्मूला होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 2n minus 4 into pi by 2, pi को हम अभी नहीं जानते होंगे, 90, ठीक है, ये फार्मूला है, 2n minus 4 into 90, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n minus 2 into 180, where n क्या है यहाँ पे, where n is equal to number of sides, उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं? जैसे हमें पता करना है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, तो एन की जगह फोर रखेंगे
तो होगा 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 कितना हुआ 360, पता चल गया आपको, हम जानते भी हैं 360 होता है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो वो ट्रायंगल होता है, अगर n की जगह 3 रख देंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 180 आ रहा है। जैसे ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल का तो हमें याद है, ऐसे ही पेंटागन का, हेक्सागन का, हेप्टागन का आएगा तो फिर हम ये जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम आप लोगों से पूछें एक रेगुलर पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बताइए, पता देखते हैं कौन पहले बताता है, एक रेगुलर पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अरे सिंपल है फार्मूला है यहाँ पे, आप पेंटागन में कितने साइड, 5, एन की जगह 5 रख लो, 540 डिग्री। गुड, ऐसे ही पूछे हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, कितना होगा 720 डिग्री। तो ऐसे निकाल सकते हो ना, ये सम निकालने का फार्मूला है। अब अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180। अब देखो ये सबका सम है, रेगुलर पॉलीगन है तो एक एंगल का सम निकाल, एक एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे। जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है 360, तो वन एंगल का सम निकालना है तो 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हर एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, होगा ना। तो अगर एक एंगल निकालना है तो एन से डिवाइड कर देंगे, सम निकालना है तो एन से डिवाइड नहीं कर देंगे, ठीक। अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में थ्योरम है उसको देखेंगे। एक और भी यहां पे फैक्ट जान लीजिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अगर कहा जाए तो कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। कुछ एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अगर इनके थ्री साइड्स को प्रोड्यूस करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में तो थ्री एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ये देखो अगर ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x, ये y है तो कितना होगा 180 माइनस y लीनियर पेयर से, और ये 180 माइनस z होगा ना। yes. x प्लस y प्लस z कितना होता है 180, तो इन तीनों में से फिर 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा 360 मिलेगा ना। yes. देखो अगर तीनों जगह से निकालें तो ये हो जाएगा 540, तीनों के एक्सटीरियर एंगल में फर्स्ट पार्ट क्या होगा 540 हुआ ना, 180 180 180 जोड़ा तो, और लास्ट में माइनस क्या होगा x प्लस y प्लस z, यही ना होगा। x प्लस y प्लस z कितना होता है 180 होता है, तो इसमें से 180 निकाल दो तो क्या बचेगा 360 बचेगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो रेक्टेंगल ही ले लिया हमने, तो रेक्टेंगल ले लिया तो इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 490 एंगल्स होंगे तो कितना होगा 360। किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है 360। अब थ्योरम देखेंगे हम लोग, तो थ्योरम 8.1 है हमारा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी से आप पहले से परिचित हैं,
इससे जस्ट पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा उसकी शुरुआत कांग्रुएंट फिगर से ही हुई होगी। तो कांग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, क्या होता है कांग्रुएंट फिगर? टू फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, आगे बोलिए, देयर शेप एंड साइज आर इक्वल आर सेम। जब दो फिगर के शेप और साइज दोनों इक्वल हो तब वो क्या कहलाते हैं, कांग्रुएंट। मतलब दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाए, एक दूसरे के ऊपर या दूसरा पहले के ऊपर रखने पे दूसरा दिखाई ना दे, तो ऐसे केस में ऐसे फिगर को हम कहते हैं कांग्रुएंट फिगर। और कांग्रुएंसी से संबंधित आपने रूल भी पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड 5 रूल्स पढ़े होंगे कांग्रुएंट। पहला पढ़ा होगा एस एस एस, साइड 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 कांग्रुएंट रूल। दूसरा पढ़ा होगा साइड एंगल साइड कांग्रुएंट रूल। तीसरा पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल कांग्रुएंट रूल। चौथा पढ़ा होगा राइट हाइपोटेनस साइड रूल RHS, और एक और पढ़ा होगा एंगल एंगल साइड रूल। तो इन पांचों में से कोई भी एक रूल अगर हम इसमें अप्लाई कर दें तो दोनों कांग्रुएंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, थ्योरम प्रूव करने का एक एल्गोरिदम होता है, प्रोसीजर होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, गिवन। व्हाट इज गिवन इन द दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या लिखते हैं स्टेप में, टू प्रूव। व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। इसमें पढ़ के हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें प्रूव क्या करना है। थर्ड स्टेप में अगर कंस्ट्रक्शन जरूरी हो तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, अदरवाइज प्रूफ से स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो पहले गिवन क्या है, इसमें डायगोनल गिवन है किसका, पैरेललोग्राम का, तो लिख लेंगे AC इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब हम पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे फिर GM पैरेललोग्राम पढ़ेंगे शॉर्ट में। AC इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। व्हाट इज टू प्रूव, ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, कोई बताएगा कौन सा ट्रायंगल किसके कांग्रुएंट, ABC गलत पढ़े हो, गलत जानते हो, ABC तुम कह रहे हो, तो AB पहले पढ़ रहे हो, तो AB के करेस्पॉन्डिंग इसमें कौन सी साइड है, CD है। AB के करेस्पॉन्डिंग इसमें क्या है, CD है। तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, CDA। अगर ADC पढ़ोगे तो गलत है वो, जो साइड जिसके करेस्पॉन्डिंग हो उसी ऑर्डर में हम उसको लिखते हैं कांग्रुएंसी में। ABC इज कांग्रुएंट टू CDA होगा, क्योंकि AB के करेस्पॉन्डिंग CD है ना कि AD, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में कौन सा क्राइटेरिया आपको आसानी से दिख रहा है, बताइए। साइड साइड कई क्राइटेरिया दिख रहे हैं, साइड भी दिख रहा है, एंगल साइड एंगल भी दिख रहा है, जिससे चाहे उससे कर लें, हम वैसे एंगल साइड एंगल से कर रहे हैं इसको, ठीक है। इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है ना, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, और दोनों का रीजन एक ही रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक साइड भी इक्वल है, कौन सी साइड, AC इज इक्वल टू CA, इसका रीजन कॉमन है दोनों। This shows that triangle ABC is congruent to triangle CDA by which rule? रूल बताओ, किस रूल से होगा, एंगल साइड रूल। थ्योरम 8.2 है हमारा, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD इज पैरेललोग्राम। व्हाट इज टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू BC एंड
AD इज इक्वल टू BC, यही प्रूव करना है। yes. एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट AC, इसमें गिवन नहीं था कि AC ज्वाइंट किया गया है, डायगोनल है, तो इसको हमको खुद करना होगा। ठीक है, ज्वाइंट AC। अब सेम प्रोसीजर से हम दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जैसा उसमें किया, ट्रायंगल ABC एंड CDA, एंगल 2 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 4, 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, और AC CA के इक्वल है, कॉमन है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB किसके इक्वल होगा, CD के या DC के, और BC किसके इक्वल होगा, AD के, और रीजन में क्या लिखते हैं, CP, इसका मतलब जानते हो सभी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो AB और CD करेस्पॉन्डिंग है, BC और AD करेस्पॉन्डिंग है, और यही हमें प्रूफ भी करना था, हमारा 8.2 भी प्रूफ हो गया।